नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम चौबीस क्षेत्र के गांव बलम्बा से। और दर्शक साथियों, आप देख रहे होंगे लगातार सुबह 7 बजे से हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है और मतदान केंद्र के अंदर सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग बड़े उत्साहित होकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों की तरफ उमड़ रहे हैं। अब लगातार जो मतदाता लाइन के अंदर बने हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि विधानसभा क्षेत्र महम विधानसभा क्षेत्र जहाँ अब वोटिंग हो रही है उसके मुद्दे क्या हैं और लोग क्या मुद्दे लेकर वोटिंग करने जा रहे हैं, आइए इनसे जान लेते हैं इनकी राय। राम राम सर। राम राम भाई, ठीक हो? ठीक ठाक भाई। मतदान करने आए हो? हाँ, मतदान करने। तो क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? सही मुद्दे हैं, रद्दा सही है, काम कर रही है इसकी, ती बनावा है। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है, सही। नहीं, जैसे पीने के पानी की है, बेरोजगारी की है, इनमें या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या लेके जा रहे हो? रद्दा है, मिट्टा ही सारा सब सारे देख दिए बनाई भाई। अच्छा अच्छा, हाँ चलो। राम राम चाचा। राम राम। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हो वोट डालने? भाई वो जो विकास के काम करेगा ना उसने बनावा है। अच्छा, हाँ विकास के कार्यों के लिए वोट करने जा रहे हैं? विकास के कार्य, कोई फैक्ट्री नहीं, मैं मलकम है ना, कोई उद्योग, हाँ बेरोजगारी का नहीं हंड है। चलो, हाँ राधा ना बनावा है। युवा मतदाता हमारे साथ भाई, आज वोटिंग करने आए हो, क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार विधानसभा क्षेत्र में, जैसे बेरोजगारी है या फिर पीने का पानी है या स्वास्थ्य सुविधाएं या परिवहन सुविधाएं? भाई साहब, बेरोजगारी है, पिछले 5 साल तक एक भी भर्ती नहीं हुई है। अच्छा। बेरोजगारी युवा बहुत परेशान है। और मुद्दे हैं अपने स्थानीय मुद्दे हैं, किसान पानी है, बरसात में पानी ज़्यादा भर गया है, उसका निकलवाने का मुद्दा है। और तो चलो और बात कर लेते हैं आगे, एक बुजुर्ग और मुझे। राम राम चाचा। राम राम। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हो मतदान करने? मेरी अध की बात है, ये बड़े सरकार ने नौजवान खो दिया, खत्म कर दिया, नौजवान खत्म कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो क्या करना चाहिए सरकार को, अगर जब आप मतदान कर रहे हैं क्या मान के मतदान करोगे? जो अच्छे काम करा उसका करेंगे। अच्छा, चुन लिया है, फैसला कर लिया है? हमने कर रखा है। अच्छा, राम राम भाई। राम राम भाई। क्या फैसला लेके जा रहे हो? फैसला ये भाई साहब, गांव का विकास के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। चलो, तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया कि लगातार जो मतदाता मतदान केंद्र पर निकल निकल के आ, एक ही मुद्दा है कि बेरोजगारी, सुविधाएं, उन मुद्दों को लेकर अब की बार मतदाता मतदान करने जा रहे हैं। आइए हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अंजलि राठी, उनसे पूछेंगे कि महिलाओं की भागीदारी और स्थानीय जो समस्याओं को लेकर अंजलि राठी का क्या कहना है। तो दर्शक साथियों, हमारे साथ में अंजलि राठी जो नेशनल टीवी की पत्रकार हैं, डेस्क के ऊपर बैठकर खबरें बोलती हैं, यह हमारे लिए बड़े गौरव और गौरव की बात है, क्योंकि पिछले समय एक मुहावरा जो लगातार चला हुआ था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूँ तो हमारे इलाके से अंजलि, जैसे साक्षी मलिक जी हुई थी, अब जहाँ जो अनेकों खिलाड़ियाँ, जैसे विनेश फोगाट की बात करूँ, उसी तरह अंजलि राठी जी, जो मैं आपका स्वागत है बहुत बहुत, क्योंकि आप इस तरह का जो कार्य, जो समाचार जो प्रदर्शित करने के क्षेत्र में आपने जो कदम रखा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अंजलि हमारे साथ, अंजलि इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? लगातार आपने क्षेत्र में देखा भी होगा अपने गांव के जो परिवेश में किस प्रकार की समस्याएं निकल के सामने आ रही है। जी देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं भी एक लड़की हूँ और आज हरियाणा जो है इतना पीछे नहीं रहा है, लड़कियाँ महिलाएँ हर चीज़ में आज आगे हैं, चाहे वो खेलों का मामला हो या चाहे पत्रकारिता का मामला हो, हर चीज़ में हरियाणा अपना दमखम दिखा रहा है और हरियाणा आज सबसे आगे है। यानी आज महिलाएँ वैसी नहीं रही हैं, जागरूकता हरियाणा में हो गई है। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, मैं एक किसान की बेटी हूं, सबसे पहले मैं किसानों का मुद्दा रखना चाहूंगी कि जो किसान के हित में सरकार काम कर रही है, हम अपना वोट उस साइड देना चाहेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा एक बहुत गंभीर मुद्दा है और मुद्दे बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारे हैं। बेरोजगारी हरियाणा में है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के लिए है। और जैसे बात करें अग्निवीर योजना की, जो अग्निवीर योजना बनाई गई है उसको लेकर भी लोग काफी भाजपा सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। तो मुद्दे बहुत सारे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैं मतदान केंद्र पर पहुंची हूं और अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगी और उस सरकार को चुनूंगी जो किसानों के हक में है। जी अंजलि, देखिए जैसे ग्रामीण परिवेश के अंदर मुख्य समस्याएं होती हैं, जैसे फसलों के लिए पानी उपलब्ध ना होना, पीने का पानी उपलब्ध ना होना, बिजली की व्यवस्था का सही ढंग से ना होना, और जो स्कूली शिक्षा का स्तर आप देख रही होंगे लगातार स्कूली शिक्षा का ना होना, क्या इस इलाके ने बहुत बड़ा दंश नहीं झेला है?
जी देखिए, आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बिना इंसान का विकास नहीं हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं कमी है। कोई ना कोई अधिकारी बीच में पैसे खा रहा है कि जो ऊपर से नीचे तक काम नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकारें सभी आती हैं, सभी सरकारें वादे करती हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है अपना घोषणा पत्र निकालती हैं। घोषणा पत्र में अलग अलग तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। तो ये सब समस्याएँ आम आदमी को झेलनी पड़ती है और जिस वजह से गांव का विकास नहीं हो पाता है। अंजलि, लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से 1990 के अंदर इस इलाके ने बहुत बड़ा दंश झेला था, एक महम कांड हुआ था, आज फिर बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जैसे मदीना गांव में झड़प की खबरें हैं, विधायक और पूर्व विधायक या प्रत्याशी कहूँगा उनके बीच में झड़प की खबरें निकल के आई। अब इसी गांव से लगातार आप भी देख रहे थे कि लगातार गेट के ऊपर तनाव बना हुआ था, क्या कहेंगे, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? जी देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है, और ऐसा करना बिल्कुल सही प्रकार से, मतलब मैं नहीं कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने मताधिकार का आराम से प्रयोग करना चाहिए, अपनी सरकार चुननी चाहिए, ये सब चीज़ें यानी लोकतंत्र की हत्या बहुत गंभीर विषय जो है, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो मुद्दा बन गया है। बलराज कुंडू ने आरोप लगाए, हालांकि अभी मैं नहीं कह सकती कि बात सच है या नहीं है, आरोप लगाए गए हैं बलराज कुंडू की तरफ से कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है बलराम सिंह दांगी, उनके समर्थकों ने उनके पीए पर हमला किया है, कपड़े फाड़ दिए, आरोप है। लेकिन अगर ये सच है तो मैं कहना चाहूंगी बहुत गलत है और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अंजलि, आप आज मतदान करने पहुंची हैं, आपकी नजर में मुद्दा और मत का प्रयोग किस विषय को लेकर करने जा रहे हैं? जी देखिए, मैं जो मेरे गांव में देख पा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन सी सरकार में क्या विकास नहीं हो पाया, मैं उस आधार पे अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहती हूँ। मैं, मेरे लिए कोई सरकार नहीं है, क्योंकि मेरा ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकार अपने मताधिकार का प्रयोग वहीं करेगा जहाँ उसे दिख रहा है कि उसके गाँव का विकास हो रहा है, उसके हल्के में काम हो रहे हैं, वहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। और ये सब मुद्दे लेकर ही मैं पहुँची हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसानों के मुद्दे को लेकर आज मैं मतदान केंद्र पर पहुँची हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया कि अंजलि राठी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और लगातार सुबह से लगातार मतदाता उमड़ रहे हैं, चाहे वो महिला हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा साथी हों, महिलाएं अपने साथ बच्चों को भी ले लेके आ रही हैं और इस लोकतंत्र के पर्व को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। तो दर्शक साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी घरों से निकलिए, मतदान करिए और एक ऐसी सरकार को चुनिए जो जनता की भलाई के लिए कार्य कर सके। आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।